देख रहे बुलंदिया टीवी में एहसास अली आपके साथ। इस वक्त मैं पुराना मुस्तफाबाद के पूर्व मौजूदा निगम पार्षद के कार्यालय पर हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हसन साहब का पोस्ट लगा सामने, ये हजन सबीला निगम पार्षद पति हाजी मोहम्मद खुशनू साहब है, और यहाँ पर आधार कार्ड के लिए लोगों की भीड़ जमा है, एकत्रित हुए लोग। आइए बात करते हैं, जो मैडम यहाँ पर आधार कार्ड को लिंक कर रही है और क्या क्या संशोधन कर रही है या नया बना रही है, इनसे पूछते हैं कि ये फ्री में बना रहे हैं या कोई चार्ज है निगम पार्षद की तरफ से है या सरकार की, दिल्ली सरकार की ओर से है या विधायक की ओर से है। मैडम नमस्कार, बुलंदिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा जानकारी ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि आपके जो आधार कार्ड में संशोधन किया जा रहा है, नया कार्ड बनाया जा रहा है। नया जो होता है वो फ्री बनता है और आधार कार्ड अपडेट के पैसे लगते हैं, और जिसके साथ हम बच्चों का जिनका अपडेट नहीं होता, मदर फादर का, उनका करते हैं। तो जो संशोधन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसका क्या चार्ज है? 100 रुपीज चार्ज है। 100 रुपीज। आपको मालूम है कि यदि आप नंदनगरी डीएम कार्यालय पे जाएंगे, वहाँ पर आधार कार्ड सेंटर पे जाएंगे, तो वहाँ भी 100 रुपए संशोधन करने का लिया जाता है, यानी कि अगर कार्ड में कोई परिवर्तन है तो। जी, डेमो के 50 रुपीज होते हैं और आधार कार्ड अपडेट के 100 रुपीज होते हैं, और जो न्यू बनता है वो फ्री होता है। तो इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है, ये निगम पार्षद की ओर से है या विधायक जी की ओर से है? वो जो मैम है उनकी तरफ से, निगम पार्षद जी की। निगम पार्षद की ओर से ये कैंप लगाया गया है। अब इस वक्त कितने, अब तक कितने आधार कार्ड को लिए आपने अपडेट किया है, क्या किया अब तक? मैक्सिमम नहीं नहीं 20-30 तक हो चुके हैं। 36 के करीब ये संशोधन कर चुके हैं और कुछ नए कार्ड बना चुके हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर पार्षद साहब, या पहले लोगों से पूछते हैं। हाँ सर, किस लिए आते जनाब? मैं आधार कार्ड अपना जो है सही कराने आया था अपडेट के लिए। हाँ, तो ये मेरे बच्चों का, मेरे पोतियों का तो अपडेट कराने आया था। तो यहाँ जो निगम पार्षद की तरफ से कैंप लगाया गया है आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, नया कार्ड बनवाने के लिए, तो उसमें आपको कुछ लाभ दिखाई दे रहा, कोई फायदा दिखाई दे रहा? देखिए, इतना बड़ा लाभ है कि आप हमारे जो निगम पार्षद जी हैं उनकी तरफ से ये लगा हुआ है कैंप, और उन्होंने पहले भी लगवाया था पिछले संडे और अब भी लगवाया है। ना किसी को कोई परेशानी है ना कुछ है, ये पूरा इन्हीं की तरफ से जी सेवा दी जा रही है। आपको इतना फायदा तो हुआ ही होगा कि जो वहाँ पर नंदनगरी जाना पड़ता था, टाइम कवर अप करना पड़ता था, फिर किराया लगता था, सुबह से शाम तक पड़े रहते थे, तो यहाँ सेंटर कैंप लगने से आपको काफी फायदा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमारे कैंप का हुआ है, हमारे पास कैंप नहीं होता, काम करते नहीं। दूसरा फायदा यह है कि इनकी नहीं करा लेते, नंदनगरी जाना पड़ता, वो कहते ये सबूत लाइए ये लाइए, जबकि सारे चीजें हम दे रहे हैं इन्हें। तो हमारे निगम पार्षद जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, हाजी जी खुशनूर जी, जितना बेस्ट, पूरा सहयोग दे रहे हैं ये हमें सारे। और बात करते हैं महिलाओं से, ये बैठी हुई है खवातीन जी, क्या नाम है उसका? बताइए। खुशबू निशा। अच्छा, किस लिए आए थे आप? आधार कार्ड के लिए। आवाज नहीं निकल रही? आधार कार्ड के लिए। आधार कार्ड नया बनवाना है या अपडेट कराना है? नया बनवानी है, एड्रेस चेंज करानी है। नया बनवाने के लिए कोई चार्ज तो नहीं लिया जा रहा आपसे? नहीं। अच्छा, और इनसे बात करते हैं, क्या किस लिए आए थे आप यहाँ पे? आधार कार्ड बनवाऊंगी मैं। नया बनवाना है या कुछ चेंजिंग कराना है? ना, अपडेट करवाना। अपडेट करवाना। अपडेट का क्या चार्ज बता रहे हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आप बताएंगे? जी, अपडेट कराने आया आधार कार्ड। फ्री में या कुछ चार्ज है? फ्री में। किसके कार्यालय पे है? हाजी खुशनूर के कार्यालय। हाजी खुशनूर के कार्यालय पे। जी भाई साहब, और सुनाइए खैरियत से? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आप भी बताएं। जी बताइए। जी, जो कैंप लग रहा है, इधर लाना थोड़ा कैमरे को, जो कैंप लगाया जा रहा है ये हाजी खुशनूर की ओर से लगाया जा रहा है, जो कि सबीला बेगम, निगम पार्षद जो है ओल्ड मुस्तफाबाद साइड से, मुस्तफाबाद की, तो उनकी ओर से लगाया जा रहा है। आप संतुष्ट हैं किस कैंप से? जी, ये आधार कार्ड का कैंप अर्जन सबीला बेगम वार्ड नंबर 243 से लगाया गया है, और जैसे जनता को बताया गया उसी तरह से जनता बराबर यहाँ पर आ रही है, उसका फायदा उठा रही है। आधार कार्ड में कोई करप्शन कराना हो या नया बनवाना हो, अपडेट कराना हो, या सारे काम हो रहे हैं, यानी कैसे? ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हाजी जी से। शुक्रिया। आइए, हाजी जी थोड़ा सा कारी साहब को पकड़ लेते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब को, भाई साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सभी को सलाम किया मैंने, लेकिन आपको स्पेशल किया। नहीं नहीं नहीं, आपको भी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। कैंप लगवाया है, तो ये कैंप लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए?
ये तो एक मिसाल कायम की है इन्होंने, ये जो पार्षद रह चुके हैं यहाँ पर, पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस में, उन्होंने ऐसा शायद कोई कदम नहीं उठाया। नहीं, अगर उठाया होता तो उनको लोग याद करते, लोग याद करते। इस कैंप से खुशी के इजहार हो रहा है, बच्चे बच्चे को खुशी हो रही है, और देखनी नहीं गरीब जनता का कितना काम हो रहा है। ये काम विधायक जी को करना चाहिए था, जो की हाजी यूनुस साहब है, आम आदमी पार्टी के है, आपके क्षेत्र के। देखिए, आम पार्टी के बारे में तो बिल्कुल ये कहिए कि नील है, नील है बिल्कुल। तो जनता किस आधार पर वोट देती है, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पार्टी कोई भी कोई काम नहीं करे, मौजूदा सरकार कोई काम नहीं करे क्षेत्र में, तो जनता किस आधार पर वोट देती है, क्यों चुनती है? क्यों चुनती है अब क्या देखिएगा आप? नहीं, भाजपा हराने के नाम पर चुनती है या जी या आम आदमी पार्टी को जिताने के नाम पर चुनती है, आखिर फायदा क्या होता है? देखो, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो गरीबों को अमीरों को सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और वो चलेगी, और अब के यही हाल है, अब के हवा है। लगता है आपको कांग्रेस आ रही है? पक्का पक्का। देखिए, कल साहब करेंगे कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। खैर, कोई बात नहीं है, वक्त बदलने में कोई देर नहीं लगता। कल काफी गर्मी थी, आज सर्दी पड़ रही है, तो हो सकता है अल्लाह बेहतर जानता है निजाम को, लेकिन हालात कुछ और कहते हैं। खैर, बात करते हैं इस वक्त हमारे पास हजर सबीला के शोहर है निगम पार्षद, पति शोहर एक ही बात होती है, उस हाजी कृष्ण साहब बात करते हैं। हाजी जी, जो कैंप आपने लगाया है, इसका जो खर्चा है, जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर हैं, तो उनका खर्चा आप उठा रहे हैं या सरकार की तरफ से क्या है, या निगम की तरफ से, कारपोरेशन की ओर से? देखिए, जो आपने एक बात पूछी कि जो यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है, इसका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका खर्चा ना तो निगम देती है, ना ही गवर्नमेंट देती है। ये खर्चा तो हमें अपनी जेब से ही भरना पड़ता है, और उसकी वजह ये, आप दूसरा सवाल करेंगे कि आप अपनी जेब से क्यों खर्च कर रहे हैं, उसका सवाल ये कि हमारा वार्ड मुस्तफाबाद 243 की जो आवाम है वो हैंड टू माउथ है, रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो कहीं दूर जाकर के तस्वीर रखिएगा, कहीं दूर जाकर के अपना अपना आधार को सही करवा सके, या अपने बच्चों का, जो बच्चे छोटे हैं, नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनका आधार बनवा सके। तो उसके लिए एक अच्छी यहाँ पर एक सुविधा दी जाए वार्ड के अंदर, वार्ड के लोगों को एक अच्छा सुविधा यहाँ पर हमने अपने ऑफिस के ऊपर निगम पार्षद हजर सबीला बेगम की तरफ से मुहैया कराई गई है। ये ऑफिस के ऊपर ये काम कराया जा रहा है, और हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब उनकी सरपरस्ती में, अली मेहंदी जी की सरपरस्ती में ये सारा काम चल रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि अपने लोगों को, अपनी आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हम अपने ही इलाके में दे दें। अच्छा, जो पार्षद है दिगर इलाकों से है, उन पर क्या कहना है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या उन्हें ऐसा कदम उठाना चाहिए जनता के हित में, या वोट लेकर घर में बैठ जाए? तो ऐसे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जिन्होंने घर आइए पार्षद है, जितने भी दिगर निगम पार्षद है, किसी भी पार्टी से हो, पार्टी ताल्लुक नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ उनको ये संदेश देना है कि आज आपको कुदरत ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने, राम ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है इस तरह का कि आप कौम की या लोगों की, अपने आवाम की खिदमत कर सके। तो उनको चाहिए कि वो अपने इलाके में, अपने वार्ड में किसी भी तरह से अपने लोगों की खिदमत करें। नहीं, बात यह है कि मैंने जो सवाल किया है वो इसलिए किया है, मुझे लगता है आप नहीं चाहते जिस तरह से आप काम कर रहे हैं कि और जिगर पार्षद भी ऐसा ही काम करें, क्योंकि आप ये गोपन नहीं रख रहे हैं। मैं निकला जा रहा था तो मैंने कवरेज कर दिया इसको, इससे पहले आपने मुझे नहीं बताया। काश, मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ लोगों से पूछा है जो पहले अपडेट करा चुके हैं, इससे पहले भी आपने एक कैंप लगवाया यहाँ पर, हम आपके क्षेत्र में रहते तो कम से कम आप हमें बताते, तो कम से कम और दिगर पार्षदों को भी शायद आपसे नसीहत हासिल होती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजाज भाई, हमारे से देखिए होता क्या है, आज ही हमारा कैंप आज से शुरू हुआ है, हमने रात ही इसको फेसबुक पे भी डाला है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे सब जगह हमने इसकी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गुपचुप कर रहे हैं, गुपचुप नहीं है, हम लोग बिल्कुल ऐलानिया काम कर रहे हैं, और ऐलानिया ही मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आज ये काम शुरू हुआ है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कम से कम 15 दिन हम इस कैंप को चलाएंगे, आज एक दिन के लिए नहीं है, लगातार 15 दिन ये कैंप चलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने वार्ड मुस्तफाबाद 243 की गली गली के अंदर जाकर के ये सब जगह संदेश भिजवाया जाएगा कि भाई आप अपना कार्ड, अपना आधार कार्ड बच्चों का नया बनवाइए, अगर कोई कमी है
या कोई एड्रेस चेंज किया है तो वो आप अपडेट उसमें जरूर कराइए। शुक्रिया हाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हाजी जी को सुना है कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराइए, कोई भी मादा या। और मैं ये पूछना चाहता, अब जो कैंप लगेगा अगला, वो कौन सी तारीख में या कब लग सकता है? ये कैंप मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एजाज भाई, ये कैंप आज से शुरू हुआ है और आज से कम 15 दिन तक लगातार यही पे चलेगा, बराबर मुसलसल लगातार इसी कार्यालय में। कौन सी गली सर आपकी? ये 19 नंबर गली मानसी नगर टेंट वाले स्कूल के पास। तो दिल्ली का कोई भी व्यक्ति आ सकता है या आपके क्षेत्र का है? कहीं से भी आ सकता है। कहीं से भी कार्ड को अपडेट कराने के लिए, किसी भी तरह की चेंजिंग कराने उसके लिए आ सकता है। और क्षेत्र के निगम पार्षद की मोहर की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे मोहर भी लग जाएगी। यानी के ये नियम है कि किसी को अपना एड्रेस चेंज कराना है तो पार्षद की मोहर चाहिए उस पर, या विधायक की। विधायक तो आपको पता है कि फिर है ही नहीं दिल्ली में, तो यहाँ पर पार्षद साहब को मैं देखता रहता, निकलता रहता हूँ, तो मुलाकात होती रहती है। तो कहने का उद्देश्य यह है कि आप आइए और फायदा उठाइए, और अल्लाह पाक सभी पार्षदों को और विधायकों को इसी तरह से काम करने की हिदायत दे और वे अपने फर्ज पर खड़े करने की कोशिश करें, ताकि जनता से जो वोट लिया है वो इसी तरीके से काम करते रहे। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी, आगे को जो पार्षद साहब काम करेंगे या नहीं भी करेंगे तो उसको भी हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा ही दिखा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर।